दोस्तों स्वीट डिश चाहे कोई भी खा लीजिए, मगर सेवइयों की बात ही अलग है। बहुत से लोगों को मीठा खाना पसंद नहीं होता है, मगर आज हम जो सेवई बनाने जा रहे हैं उसे वे लोग भी बहुत पसंद करेंगे और बड़े चाव से खाएंगे। तो आपका वक्त बर्बाद किए बगैर जल्द शुरुआत करते हैं आज की रेसिपी की, मगर इससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो सबसे पहले पैन में डाल देंगे एक बड़ा चम्मच देसी घी। इसके बाद आधा कप मखाने डालकर तल लेंगे। इसी बीच इसमें 15 से 20 काजू डालेंगे और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। दोस्तों कोई भी स्वीट डिश हो उसमें मेवा जितने ज़्यादा डालेंगे उतना ही टेस्ट बढ़ेगा। तो यह दोनों तल चुके हैं और अब इनको पैन से निकाल लेंगे। इनके ठंडा होने पर इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और इसमें 2 छोटी इलायची भी ऐड करेंगे। अब आधा कप चीनी भी इसमें डालेंगे। इसके साथ ही इन सब चीज़ों का एक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए यह मेवे और चीनी का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। दोस्तों आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आए और उसका कुछ बढ़िया मीठा सा खाने का मन हो तो मेरी तरह से सेवई बनाए और उसको ये बना के खिलाइए तो वह आपकी बहुत तारीफ करेगा। तो पैन में फिर से आधा बड़ा चम्मच देसी घी डालते हैं और घी गर्म होने पर इसमें सेवई डाल देंगे। यह सेवई करीब 1.5 कप है जो 5 से 6 लोगों के लिए पर्याप्त रहेंगी। अब इसको धीमी आंच पर चलाते हुए तलेंगे। दोस्तों देसी घी में सेवई भूनने की बहुत ही अच्छी सी महक आने लगती है। तो सेवई तल चुकी हैं, अब इनको पैन से निकाल लेंगे और अब पैन में डाल देंगे आधा लीटर दूध। दूध में उबाल आ जाए तो एक कटोरी में करीब 1 बड़ा चम्मच निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। इसको अलग रखेंगे और केसर को दूध में घुलने देंगे। केसर को दूध में नहीं उबालेंगे। अब सेवई को दूध में डालकर ढक देंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। करीब 5 मिनट पकाने के बाद अब इसमें चीनी और मेवा का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद केसर वाला दूध भी डाल देंगे। फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे और गैस से पैन उतारकर अलग रख देंगे। इधर गैस पर तवा चढ़ा देंगे और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। तो देखिए चीनी पिघल चुकी है, अब इसको डार्क ब्राउन होने तक गर्म करेंगे। चीनी को कैरमलाइज करने के बाद इसे सेवई में मिक्स करेंगे। तो देखिए सेवई का कलर चेंज हो चुका है। गाढ़ा गाढ़ा दूध, उसमें से आती केसर और इलायची की खुशबू, मेवा का स्वाद और कैरमलाइज होने के कारण अलग सा एक खरा स्वाद आने से यह सेवई लाजवाब बन चुकी है। तो लीजिए टेस्टी सेवई का आनंद, मेहमानों को खिलाइए, परिवार को खिलाइए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसको एक बार बनाइए और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार, बेहतरीन और खुशबूदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।